नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम TTML का डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि मार्केट में इस स्टॉक को लेकर क्या न्यूज चल रही है और चार्ट के माध्यम से भी इसका एनालिसिस करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस एनालिसिस के बाद सजेशन देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं, और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करिएगा। अब हम टीटीएमएल की चर्चा शुरू करते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इसका मैक चार्ट एक बार उठा के देखेंगे तो कंपनी कभी भी देखिए 50 रुपए तक के ऊपर नहीं गई। तो 50 रुपए तक कंपनी यहाँ बीच में पहुंची थी 2007 में, उसके बाद आपकी कंपनी 2-3 रुपए तक भी पहुंची थी। अब रिसेंट में इसमें अगर आप एक साल में देखेंगे तो आपको बहुत महंगा देनी लगेगी। 20 रुपए का स्टॉक हमारा 280 रुपए तक भी पहुंच गया था, बट उसके बाद दोबारा इसमें गिरावट चली। तो इस टाइप के स्टॉक में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे छोटा सा 140 या 135 रुपीज का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, और 180 और 240 एंड 280 के टारगेट को एम करके चलिए। एक बार ये स्टॉक मेरे पास भी 20 रुपए के आसपास था, फिर मैंने इसे यहाँ पे निकाल लिया था, 40 तक गया था, फिर यहाँ 50 तक, फिर यहाँ पे जब लोअर सर्विस लगे थे तो मैंने निकाल दिया था डर के मारे। बट क्योंकि पेनी स्टॉक में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते और इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख सकते, तो इसमें ऐसी हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाकर चलना पड़ता है। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा और टारगेट भी मैंने आपको बता दिए हैं 180, 220 से 240 और फिर 280। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया स्पेशली टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। अपने विचारों को कमेंट सेक्शन